हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी माइंडसेट। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है एसएससी माइंडसेट में। और ये हमारा लेक्चर 2 है हमारा जीएस का। देखिए, आज रीजनिंग का वीडियो डालना था पर मैं रीजनिंग का नहीं डाल पाया क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, जिस वजह से मेरे को इतना वक्त नहीं मिल पाया कि मैं रीजनिंग का डाल दूँ। और मेरा ये लेक्चर 2 जो था, इसका मेरा जो प्रिपरेशन था वो तैयार था, तो मैं आज यही वीडियो डाल दे रहा हूँ। ठीक, तो आई होप कि आपको समझ में आएगा कि यार देखिए, अकेला हूँ तो मेरे पास बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारी चीज़ें मुझे खुद देखनी पड़ती हैं, तो बहुत मुश्किल से मेरे को वक्त निकालना पड़ता है और कई सारी चीज़ें हैं जो यार संभालनी पड़ती हैं। तो ये हमारा लेक्चर 2 है, ठीक है, जीएस का, एनसीईआरटी क्लास 6 की साइंस का हमारा चल रहा था। पार्ट 1 में मैंने आपको चैप्टर 1 चैप्टर 2 बता दिया था। इसमें हम बात करेंगे चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 के बारे में। ठीक है, उससे पहले देखिए मैं यही कहूँगा कि अगर किसी ने अब तक सब्सक्राइब नहीं कराया तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये हमारा बहुत ही बेहतरीन एक पूरा जो समय है वो 2018 के सीरियल तक का वो बीतने वाला है। और सारे कोर्सेज जो आपके ऐसे सीरियल CHSL CP और MTS के जितने भी रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं उनके पूरे कोर्सेज आपको रेगुलर टाइम पर कराए जाएंगे। और हो सकता है कि आगे चल के मैं UPSC के लिए कुछ भी लाऊँ कि UPSC से जुड़ा हुआ कुछ कोर्सेज वगैरह मैं हो सकता है ऐड कर दूँ, या फिर मैं उसका एक अलग से एक चैनल UPSC एग्ज़ाम्स का बना दूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो थर्ड जो चैप्टर है हमारा वो है फाइबर्स टू फैब्रिक्स। ठीक है, आपको जैसा दिख रहा होगा कि ये धागे हैं और आपको पता है इन धागों से बन के कपड़ा बनता है, तो वही फाइबर टू फैब्रिक्स की बात होती है। अब सबसे पहले आपको समझना होगा कि फाइबर और फैब्रिक्स होते क्या हैं। ठीक है, पर हम पहले ये देखेंगे कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कुछ चीज़ें जैसे वैरायटी ऑफ फैब्रिक्स, फैब्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि व्हाट इज़ फाइबर, फिर टाइप्स ऑफ फाइबर, उसके बाद प्लांट फाइबर जिसमें आपके कॉटन और जूट आते हैं, फिर आपके स्पिनिंग कॉटन यार्न आता है, फिर यार्न टू फैब्रिक आप में वीविंग और निटिंग आएगी। ठीक है, ये जो कपड़ा बनाने के तरीके होते हैं वो है ये। उसके बाद हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल। ठीक है, देखिए ये पूरा एक चैप्टर आपके 3 में है, तो ये चैप्टर 3 का आपका कंटेंट है। तो अब कंटेंट से आगे बढ़ के हम स्टार्ट करते हैं आपका मेन चैप्टर की वैरायटी ऑफ फैब्रिक्स। देखिए, फैब्रिक्स की अगर बात करें तो मार्केट में कई प्रकार के कपड़े आते हैं, जैसे आपके कॉटन हुआ, नायलॉन हुआ, सिंथेटिक हुआ, तो कई सारे हैं, वूल हुआ, आपका सिल्क हुआ, तो इस ये जितने भी टाइप हैं आपके, ठीक है, फैब्रिक मतलब कपड़े के, ये सब आपके वैरायटी ऑफ फैब्रिक्स कहलाते हैं। देखिए, वूल, सिल्क, कॉटन, सिंथेटिक हुआ, आपका नायलॉन भी जोड़ सकते हैं आप, ठीक है, रेगजीन हुआ, कई सारे तरह के हैं। रेगजीन थोड़ा अलग हो गया, वो प्लास्टिक से कुछ जुड़ा हुआ रहता है, वो नॉर्मली फाइबर से नहीं बनता आपका। ठीक है, तो फैब्रिक जो होता है ना वो एक कंटिन्यूस पीस होता है। ठीक है, कंटिन्यूस पीस कैसे, कि एक जो आपका धागा है वो फाइबर कहलाता है और उससे मिलके कई सारे जो ऐसे ऐसे बन जाता है ना वो आपका फैब्रिक कहलाता है। देखिए, ऐसे ऐसे बन जाता है पूरा। अगर हम बड़े ध्यान से देखें, देखिए उसको अगर हम देखें तो उसमें क्या होता है कि इस तरह की डिज़ाइंस बनी होती हैं आपके फैब्रिक के अंदर। ठीक है, कई सारी ऐसी डिज़ाइन बनी होती है जो आपके कपड़े को एक रूप देता है। सॉरी, हाँ देखिए, ये दिख रहा है ना आपको, ये होता है आपका जो फैब्रिक बनता है। ये देखिए, ये जो एक सिंगल आपको दिख रहा है, ये जो है पूरा धागा, ये यार्न कहलाता है। और उसके अंदर भी बहुत छोटे छोटे धागे होते हैं, बहुत ही रेशम के, मतलब बहुत ही पतले पतले, ठीक है, रेशम के धागे जैसे, वो आपके फाइबर्स कहलाते हैं। और वो सब मिलकर आपके यार्न बनाते हैं, और फिर यार्न आपका मिलकर आपका एक फैब्रिक कपड़ा बनाता है। ठीक है, तो ये देखिए जो थ्रेड है, ये धागे जो हैं, ये आपके यार्न, ठीक है, ये आपके यार्न कहलाते हैं। और ये यार्न भी क्या करते हैं, ऐसे नहीं होते, ये उससे भी थिनर एक धागा होता है, वो आपका फाइबर कहलाता है। ठीक है, तो ये आपका पूरा एक फैब्रिक बनने का प्रोसेस है कि आपका फाइबर से यार्न, यार्न से आपका ये फैब्रिक बनता है। उसके बाद देखिए टाइप्स ऑफ फाइबर है कि फाइबर आपके कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, फाइबर आपके मेनली 2 प्रकार के होते हैं, नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर। देखिए, नेचुरल फाइबर की बात करूँ तो जो आपके पेड़ों से या फिर एनिमल से मिलते हैं, ठीक है, वो आपका नेचुरल फाइबर होता है, जैसे आपका कॉटन हुआ, ठीक है, ये पेड़ों से, सिल्क हुआ, आपका सिल्क का एक इंसेक्ट भी होता है, जूट हुआ, वूल हुआ, ये सब एनिमल से और प्लांट से मिलने वाले आपके नेचुरल फाइबर होते हैं। उसके बाद आता है देखिए सिंथेटिक। सिंथेटिक वो फाइबर होता है जो हम खुद बनाते हैं, ठीक है, इंसान मैन मेड होता है और वो केमिकल सब्सटेंसेस से मिलकर बनता है, जैसे आपका नायलॉन, ठीक है, पॉलिस्टर, आर्किलिक, तो ये सारे ऐसे फाइबर है जो इंसान बनाता है, मैन मेड होते हैं। ओके, तो अब नेक्स्ट देखिए, हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमारा क्या है नेक्स्ट।
प्लांट फाइबर, देखिए प्लांट फाइबर का हमारा पॉइंट है कॉटन। देखिए अगर कॉटन की बात करें तो जैसा आपको फोटो में दिख रहा है कि ऐसे इनकी खेती होती है, और ये क्या है मेनली जो आपके ये होते हैं, कहाँ होते हैं ये गंगा रिवर के किनारे, नील नदी के किनारे, पुराने डैम में होता था, मतलब जहाँ पर आपका वाटर की थोड़ी सही चीज़ें मिल जाती हैं, क्योंकि वाटर इनके लिए बहुत ज़रूरी होता है। देखिए ये आपका कॉटन हो गया, और साथ ही साथ ये गर्म जगहों पे भी होते हैं, आपको याद रखना है गर्मी थोड़ी गर्म जगह इन्हें चाहिए होती है, ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ठंडी हो। उसके साथ देखिए ये आपका कॉटन हो गया, कॉटन के बाद क्या होता है इनकी रुई को निकाला जाता है, ठीक है, इनकी फिर यान बनाई जाती है, और यान के बाद इनके यहाँ पर कपड़े बनाए जाते हैं। देखिए ऐसे इनके प्लांट दिखते हैं आपको, और ये याद रखना है कि देखिए इनके मेकिंग ऑफ यान क्या है, स्पिनिंग कॉटन यान। देखिए स्पिनिंग कॉटन कॉटन जो यान होता है, ठीक है, आपने देखा होगा गांधी जी एक चरखा घुमाते थे, ठीक है, उसको हम क्या कहते थे, स्पिनिंग कॉटन यान, वो घुमाने से वो एक यान बनता था, वो हमारा चरखे के थ्रू बनता था, ओके। और आजकल तो मशीनों का भी इस्तेमाल हो रहा है, तो आजकल जो बल्क में बनाता हूँ होता है तो वो मशीनें काम करती हैं उसका, ठीक है। उसके बाद देखिए आता है आपका प्लांट फाइबर, प्लांट फाइबर की अगर हम बात करें तो उसके अंदर एक और है आपका जूट, ठीक है, कॉटन हो गया, अब बात आती है जूट की। देखिए जूट क्या है, जूट भी एक प्लांट से ही मिलता है, ठीक है, इसका जूट प्लांट होता है, इसको कल्टीवेट करते हैं हम रेनी सीजन में, ये बारिश के मौसम में बनता है क्योंकि इसको पानी में डुबा के रखना पड़ता है। जैसे कि आपको दिख रहा है कि देखिए ये फसल जूट की होती है, ठीक है, ये नंबर वन पे है। उसके बाद देखिए नंबर टू पे अगर हम बात करें तो ये आपको फिर क्या करते हैं, ये लोग देखिए क्या करते हैं, इसको उखाड़ के पानी में डुबा देते हैं, ठीक है, पानी में डुबा के रखते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पे क्या करते हैं, जब ये फूल जाती है और इसका ऐसा कलर चेंज हो जाता है तो फिर इसे सुखाते हैं, ठीक है, इसको सुखा दिया, और फिर सुखाने के बाद यही फाइबर के तौर पर बन जाता है, इसको फिर यान बना दिया जाता है। यान मतलब इसके छोटे छोटे रेशों को घुमा घुमा के एक रस्सी सी बना दी जाती है, आपने देखा होगा गाँव में लोग बनाते हैं, ज़्यादातर तो आजकल ये हैंडमेड ही होती है, पर कभी अब क्या शहरों में ये मशीनों द्वारा भी बनने लगी, और मेनली जो इनका जो फसल बनती है, ग्रो होती है, वो वेस्ट बंगाल, बिहार और आसाम के अंदर होती है, ठीक है, सबसे ज़्यादा यहीं बनाए जाते हैं। उसके बाद देखिए अब आता है यार्न टू फैब्रिक, यार्न टू फैब्रिक क्या, देखो जो एक जो मेथड है वो है वीविंग, ठीक है, एक होता है वीविंग। वीविंग क्या है, वीविंग एक प्रोसेस है जहाँ पर हम अरेंज करते हैं टू सेट्स ऑफ यार्न टुगेदर टू मेक ए फैब्रिक। एक या एक से अधिक यार्न को हम जब मिला देते हैं दूसरे यार्न से, ठीक है, और मिलाकर उन्हें एक फैब्रिक तैयार करते हैं, वो आपका वीविंग कहलाता है। देखिए कैसा, जहाँ पर जब आपको दिख रहा है सबसे पुराने टाइम में जो होता था ये मेथड था, जहाँ पर एक औरत ऐसे ही कई सारे यार्न को मिक्स करती थी और साथ कंघी जैसी कुछ डिवाइस लेकर करने की कोशिश करती थी। उसके बाद मीडियम एरा में जो कि जो 90s में जो आया था आपका, वो ये मेथड आया था जिसमें एक लकड़ी की मशीन होती थी और वो कम मात्रा में पर इस वाले मेथड से ज़्यादा मात्रा में फैब्रिक बनाती थी, ठीक है, और उसमें औरत इंसान की जगह एक हैंडल बार से एक बड़े से चरखे को और बड़े से पंखे को हिलाया जाता था। और आजकल जो मॉडर्न एरा है, मॉडर्न एरा में आ गया 20s में जो आपका है वो आ गया ये, ठीक है, बड़ी बड़ी मशीन है जो एक साथ कई सारे मीटर का फैब्रिक बना देती हैं। उसके बाद देखिए सेकेंड मेथड है निटिंग, जो आपके ऊन के, आपने आपकी मम्मी ने बहुत बनाया होगा आपके लिए, अगर आप 20s में, उम्र आपकी 20s में है तो आपकी मम्मी ने छोटे में आपके लिए बहुत स्वेटर बनाए होंगे, वही स्वेटर कैसे होते थे, वो निटिंग से बनते थे, जहाँ पर क्या था वूल होता था, ठीक है, वूल भी आपका एक यान है, ठीक है, और छोटे छोटे देखिए आपको टुकड़े दिख रहे हैं, ये मिले हुए बने हुए हैं, क्या है अब ध्यान से देखिए ये ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, ऐसे करके बनता है ये ऊन का आपका, तो ये क्या है, ये छोटे छोटे फाइबर से मिलकर एक यान बना और फिर निटिंग के द्वारा उसे फैब्रिक का रूप दिया जा रहा है। अब आता है आपका हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल की अगर हम बात करें तो देखिए बहुत पुराने टाइम से जो लोग थे वो क्या करते थे, जानवरों की खाल पहनते थे, पत्ते पहनते थे ट्रीज़ के, ठीक है, फर पहनते थे जो उनके खुद को ढक देते थे, पर उसके बाद क्या हुआ, लोगों ने एग्रीकल्चर कम्युनिटी में आना स्टार्ट किया, मतलब वो पेड़ पौधों से जुड़ने लगे, और जब वो पेड़ पौधों से जुड़े तो उन्होंने क्या करा, ग्रास, ठीक है, मैट्स और ये बास्केट बनाने लग गए पेड़ पौधों की। फिर उसके बाद अर्ली इंडिया में सबसे पहले फैब्रिक का यूज़ हुआ जो कॉटन से बनाई जाती थी, और वो कहाँ उगाई जाती थी, नियर गंगा रिवर, ठीक है, जो रीज़न है आपका कहें तो गंगा की घाट है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा उगाई जाती थी। और इजिप्ट में भी देखिए, इजिप्ट में भी स्टार्ट किया गया, इजिप्ट में क्या था, जो नाइल नदी है आपकी, ठीक है, वहाँ पर बनाया गया है, वहाँ पर भी बहुत बनाया गया। और साथ ही साथ देखिए एक फ्लैक्स और होता है, फ्लैक्स भी एक प्लांट है जो आपको नेचुरल फाइबर देता है।
ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारा चैप्टर वन ख़त्म होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपको फैब्रिक बता दिया कि फैब्रिक क्या होता है, अब उसके बात करेंगे मटेरियल्स के बारे में, ठीक है। वो आपका चैप्टर ख़त्म हो गया, अब हम बात करेंगे मटेरियल्स के बारे में और सॉर्टिंग उनकी। सॉर्टिंग देखिए आपने अगर कंप्यूटर साइंस से पढ़े हुए हैं तो सॉर्टिंग में आपको बता दूँ सॉर्टिंग क्या होती है, वहाँ पर भी कई सारी सॉर्टिंग होती थी, ठीक है। तो सॉर्टिंग होती है हम किसी चीज़ को अलग अलग तरीके से उसे बांट दें, ठीक है, उसे कैरेक्टराइज़ कर दें, वो आपकी सॉर्टिंग कहलाती है। जैसे लड़की क्या कर रही है, देखिए बोतल्स को अलग रख रही है, खाने की चीज़ों को अलग रख रही है, बाकी की अलग चीज़ों को अलग रख रही है, तो ये होती है सॉर्टिंग, ठीक है। देखिए इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, ये चैप्टर आपका ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा एक चैप्टर है, इसमें हम पढ़ेंगे मटेरियल और सब्सटेंस, कि मटेरियल क्या होते हैं, सब्सटेंस क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ मटेरियल, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मटेरियल और प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं और ये है हमारा चैप्टर 4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखिए हमारा चैप्टर 4 जो है, तो सबसे पहला है मटेरियल्स एंड सब्सटेंसेस। देखिए अब आपको दिख रहा होगा मटेरियल इम्प्योर होता है और सब्सटेंस प्योर होता है, तो मैं आपको समझाता हूँ। एक टाइम पे मान लीजिए आपका क्या है, आप बना रहे हैं कोई भी, मान लीजिए कह दे जैसे हम कोई सब्जी बना रहे हैं, ठीक है। उस सब्जी के अंदर क्या है, उस सब्जी के अंदर आपका आलू है, ठीक है, उस सब्जी के अंदर आपका टमाटर भी है, उस सब्जी के अंदर आपका धनिया मिर्च भी है, ठीक है। या फिर हम कहते हैं आप कोई आइसक्रीम बना रहे हैं तो वो क्या है, आपका मटेरियल है, ठीक है। उसके अंदर क्या है, आपका क्रीम होता है, दूध होता है, शुगर होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो आपका मटेरियल है। मतलब दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस से मिलकर कोई बनी हुई चीज़ को हम मटेरियल कहते हैं। और जैसे आपका वाटर, वाटर क्या है, प्योर है, क्योंकि वाटर के अंदर कुछ और नहीं है, वाटर सिर्फ वाटर होता है, ठीक है। मैं आपसे बोल दूँ क्या, मिल्क, मिल्क क्या है, एक प्योर सब्सटेंस है, एक सब्सटेंस है वो, क्यों, सॉरी, किस लिए, क्योंकि वो किसी और चीज़ से मिलकर नहीं बना है, ठीक है। जब हम किसी और चीज़ को मिलकर बनाते हैं वो आपका मेटल कहलाता है। जैसे आपका जितने भी आपके कहते हैं मैं, आपकी गाड़ी या कार है वो क्या है, मटेरियल है, ठीक है। मैं आपका कह दूँ हवा, ये एक सब्सटेंस है, प्योर है, इसके अंदर कुछ और नहीं बनता। तो ये सारी चीज़ें आपको मटेरियल और सब्सटेंस को समझ में आ गया होगा, कि सब्सटेंस वो जो एक बिल्कुल प्योर फॉर्म होती है, कुछ जिसके अंदर कोई मिक्सचर नहीं होता, ठीक है। और मटेरियल क्या होता है, जो प्योर फॉर्म नहीं होती, इम्प्योर होती है, और साथ ही साथ वो कई चीज़ों से मिलके बनी होती है, ठीक है। तो देखिए सब्सटेंसेस के बारे में हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, उसमें कुछ पढ़ाने लायक भी है नहीं, पर हाँ हम पढ़ेंगे मटेरियल्स। मटेरियल्स को हम देखें तो मटेरियल देखिए दो प्रकार के होते हैं, आपके नेचुरल मटेरियल और मैन मेड मटेरियल, ठीक है। अब देखिए नेचुरल मटेरियल की बात करें तो आपके जितने भी आपके फाइब्रिक्स थे, जैसे फाइबर थे, कॉटन हुआ, जूट हुआ, वुड हुआ आपका, ठीक है, आपका स्टोन हुआ, ठीक है, और आपका आयरन कह दीजिए, ठीक है, ये क्या, आपका गोल्ड कह दीजिए, ठीक है, हम गोल्ड कह देते हैं, तो ये क्या है आपका, ये नेचुरल है, गोल्ड नेचुरली बनता है। पर उसके बाद देखिए मैन मेड है, जैसे मैन मेड की अगर हम बात करें तो मैन मेड में आपका नायलॉन हुआ, प्लास्टिक हुआ, ग्लास हुआ, स्टील हुआ, ठीक है, आपका रबर हुआ, आपकी बुक्स हुई, ठीक है, ये सब मैन मेड मटेरियल है। अब आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मटेरियल। देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मटेरियल मतलब हम उसे कैसे बताएंगे कि यार ये मटेरियल है, ठीक है, मटेरियल है, अब हम उसे देख के हम नहीं बता सकते, ठीक है। तो कैसे बताएंगे कि हमें उसके, हमारे जो सेंसेस हैं उनको फील होना चाहिए, जैसे मतलब अगर आपने देखा तो उसे दिखाई देना चाहिए, अगर आप उसे छू रहे हैं, ठीक है, तो वो छूने से भी दिखना, फील होना चाहिए, आपने उसे उठाया, ठीक है, तो उसमें कुछ मास भी होना चाहिए, ठीक है, लगना चाहिए कि हाँ यार कुछ भारी है, चाहे एक पेपर क्यों ना हो, देखिए एक पंख क्यों ना हो, उसमें भी कुछ मास होता ही होता है। साथ ही साथ वो कुछ जगह घेरना चाहिए, जैसे अगर आपने उस जगह अगर कोई ग्लास रख दिया तो आप उस जगह दूसरा ग्लास नहीं रख सकते, क्यों, क्योंकि उसमें कुछ स्पेस है, वो स्पेस घेर रहा है, हमारे सेंसेस को महसूस हो रहा है और कुछ वजन भी है उसके अंदर। तो ये होती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मटेरियल। इसके बाद देखिए आता है हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा। देखिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती है मटेरियल की। सबसे पहला उसकी फिजिकल स्टेट, उसकी फिजिकल स्टेट क्या है, तो देखिए तीन तरह की फिजिकल स्टेट मेनली मटेरियल की होती हैं, आपका सॉलिड होता है, लिक्विड होता है और गैस होता है। जैसे आयरन है वो आपका सॉलिड है, वाटर हुआ आपका, या फिर मैं कह दूँ आपका एक मैंगो जूस हो गया, वो लिक्विड है, ठीक है। अगर मैं कह दूँ गैस, तो देखिए आपका
कितनी भी तरह की गैस होती है, चाहे आपकी मीथेन गैस हो चाहे कोई सी गैस हो, वो सब क्या है, गैसियस नेचर के हैं। तो ये इसकी फिजिकल स्टेट्स होती हैं, ठीक है। ये मेटल की पहली प्रॉपर्टी है। दूसरा आपका अपीयरेंस, ठीक है, उसका अपीयरेंस बहुत मायने रखता है कि हम उसे देख रहे हैं, मतलब हमारे को कैसे दिख रहा है, उसका टेक्सचर क्या है, हम उसे छू के कैसे बता रहे हैं कि वो खुरदरा है, चिकना है, ठीक है, पैना है, उसका टेक्सचर क्या है। फिर आता है लस्टर। देखिए, आपने लस्टर कभी सुना होगा वर्ड। लस्टर की अगर बात करूँ तो आप जैसे आपने गोल्ड देखा होगा, ठीक है, गोल्ड में क्या रहता है, एक तरह की शाइनिंग रहती है, ठीक है। तो वो जो चमक है किसी भी प्रोडक्ट की, चमक, देखिए आयरन में कुछ चमक रहती है, आप कहते हैं ग्लास में कुछ चमक रहती है, तो ये जो चमक है ना, ये आपकी लस्टर कहलाती है, ठीक है। कोई भी मटेरियल की जो शाइनिंग प्रॉपर्टी होती है वो उसकी लस्टर कहलाती है। फिर बाद में आता है उसका कलर, उसका कलर क्या है, ठीक है, वो ब्लैक है, ब्लू है, रेड है, येलो है, पर्पल है, जो भी कलर है उसका कलर। उसके बाद उसका हार्डनेस, जैसे आयरन वो बहुत हार्ड होता है, अगर किसी के सिर पे मार दिया तो वो मर जाएगा, ठीक है। पर एक होता है कॉटन, वो कितना फ्लफ़ी टाइप होता है, बहुत ही हल्का फुल्का होता है, अगर उसे ऊपर से भी फेंको तो उसे बहुत देर लगती है नीचे जाने में, ठीक है, तो वो उसकी हार्डनेस पे डिपेंड भी करता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है, देखिए हमारा क्या आता है, सॉल्युबिलिटी इन वाटर। वाटर, देखिए मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दो ग्लास ले लेता हूँ, ठीक है, ऐसे, और एक में क्या करता हूँ मैं शुगर डाल देता हूँ, ठीक है, और एक में क्या करता हूँ मैं सैंड डाल देता हूँ। तो एक में मैंने शुगर डाला और एक में मैंने सैंड डाला, अब कौन सा घुलेगा और कौन सा नहीं घुलेगा, तो शुगर जो होगा वो तो सॉल्युबल है भाई, पानी में घुल जाएगा, तो ये आपका सॉल्युबिलिटी इसकी परफेक्ट है, सॉल्युबल है। और एक वो है जो आपका नहीं घुलेगा, सैंड पानी में नहीं घुलती, तो वो क्या है, इनसॉल्युबल है। तो ये होती है उसकी सॉल्युबिलिटी प्रॉपर्टी इन वाटर, ठीक है, ये भी हमारी मेटल्स की एक प्रॉपर्टीज के अंडर आती है। दूसरा होता है आपका सिंक एंड फ्लोट इन वाटर। आप ऐसे ही देखिए, एक पानी है, मान लीजिए पानी के ऊपर हमने क्या करा, ठीक है, एक फोम का गद्दा है, हमने उसको फेंका, ठीक है, ऐसा फोम का गद्दा है, हमने उसको फेंक दिया, वो क्या होगा, डूबेगा नहीं डूबेगा, नहीं डूबेगा। और एक तरफ हमने फेंका एक आयरन ब्लॉक, ठीक, एक आयरन ब्लॉक फेंका हमने, वो आयरन ब्लॉक क्या होगा, वो तुरंत नीचे डूब जाएगा, पर ये नहीं डूबेगा, ये यहीं तक आएगा। तो ये होता है सिंक एंड फ्लोट इन वाटर। तो देखिए उसके बाद क्या आता है हमारा, उसके बाद आता है उसका बिहेवियर, ठीक है। बिहेवियर में देखिए तीन प्रकार की प्रॉपर्टीज़ होती है, पहली होती है ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसलूसेंट। अब देखिए ये तीन प्रॉपर्टीज़ मैं आपको समझाता हूँ, आपको एक सिंपल एग्जांपल्स लेता हूँ कि मान लीजिए ग्लास है, ठीक है, ग्लास में से कुछ लाइट यहाँ से आई, ठीक है, और वो पूरी पास हो गई, ठीक है, पूरी निकल गई, तो आपकी क्या हुआ, ट्रांसपेरेंट, मतलब अगर हम इस जगह पर हम खड़े हो जाएंगे तो क्या होगा, आपको यहाँ पर आपकी जो भी कोई साथी खड़ी है या खड़ा है वो आपको यहाँ पर पूरा दिखाई देगा, ठीक है, ग्लास के चारों ओर से बिल्कुल एकदम ट्रांसपेरेंट लाइट निकल जाएगी और आपके उस पार सब कुछ दिखाई देगा, तो वो था आपका ट्रांसपेरेंट, ठीक है। उसके बाद होता है ओपेक। अब देखिए ओपेक क्या होता है, मान लीजिए एक वॉल है, ठीक है, एक आपकी बहुत ही बड़ी वॉल है, यहाँ से कुछ लाइट आई, ठीक है, पर क्या वो इस तरफ आपको दिखाई देगी, नहीं दिखाई देगी, ठीक है, चाहे आप यहाँ पर खड़े हों, ठीक है, और आपका कोई दोस्त यहाँ पर खड़ा हो तब भी वो नहीं दिखाई देगा। तो मतलब ना लाइट जा रही है, ना आपको कुछ दिख रहा है उस पार, तो वो कैसा सब्सटेंस है या कैसा मटेरियल है, वो ओपेक मटेरियल है, ठीक है, उसके आर पार कुछ नहीं दिखता। फिर एक होता है ट्रांसलूसेंट, तो इसको भी आपको समझाता हूँ कि मान लीजिए एक कोई पेपर है, ठीक है, पेपर में क्या करा आपने, उसे ऑयल है, ठीक है, ऑयल से उसे मिक्स कर दिया, ठीक है, ओके, तो अब आपने क्या कर दिया, पेपर प्लस ऑयल, अब पेपर और ऑयल में से आपने कुछ लाइट भेजी, उसमें से क्या हुआ, सिर्फ कुछ लाइट निकल के गई, मतलब आपको पार्सली दिखाई दिया, ठीक है, आपने उसे सूरज की तरफ करा तो हल्की हल्की लाइट आ रही, पूरी लाइट नहीं आ रही, ठीक है, मतलब ना वो ओपेक है ना वो ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, वो 50-50% वाला मामला है। तो वो होता है आपका, तो उसे हम कहेंगे ट्रांसलूसेंट, ठीक है, क्या कहेंगे उसे, उसे हम कहेंगे ट्रांसलूसेंट। तो देखिए ट्रांसपेरेंट जो बिल्कुल दिखाई दे आर पार, ओपेक जो बिल्कुल ना दिखाई दे, और ट्रांसपेरेंट जो हल्का फुल्का दिखाई दे, ओके। तो देखिए यहाँ पर ये मेरा
ये लेक्चर ख़त्म होता है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जो भी आपको इसकी PDF होगी वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मैं डाल दूँगा। और देखिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि आपको वहाँ पर दिखाई नहीं दे रही थी, तो देखिए दिखाई नहीं दे रही ना, तो आप उसकी जो मीडिया है, मीडिया में जाके आप सर्च कर लीजिए, आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, मैंने कई सारी PDF डाली हैं। अगर फिर भी नहीं मिलती है तो आप मुझे वहाँ पर बताइए, मैं आपको वहाँ पर दोबारा से अपलोड कर दूँगा। ठीक है, और इसका जो रीज़न है, देखिए इसका रीज़न मैं आपको अलग से बताऊँगा कि मैंने अपना नंबर पेटीएम का क्यों डाला है। ठीक है, और कोई भी क्वेरी हो वो आप FB पे मुझे पूछ लीजिएगा। मेरा पेज है SSC Mindset के नाम से, आप वहाँ पर जाके मुझसे कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप का नंबर मैं आपको कल दे दूँगा, उसके लिए मैं एक ले रहा हूँ सेम, पर इसका रीज़न मैं आपको बाद में बताऊँगा। देखिए कुछ रीज़न है जिस वजह से मैंने एक आपका पेटीएम कंट्रीब्यूशन के लिए नंबर डाला है, और जो रीज़न इसकी मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि यार ऐसा क्यों वैसा क्यों। पर देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जो स्टडी मटेरियल है वो एकदम फ्री है, चाहे वो आपकी PDFs हो, चाहे वो आपकी वीडियोज़ हो, चाहे आपका पूरा कोर्स हो, वो एकदम फ्री है। ठीक है, और रही बात इसकी, ये सिर्फ वॉलंटरी है। अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए हेल्प कर रहा हूँ आपकी, तो आप करिए, अदरवाइज़ कोई फोर्स नहीं है। आप आराम से सिर्फ पढ़िए और पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, पर अगर आपको लगता है कि हाँ यार आपको कंट्रीब्यूशन करना चाहिए तो आप कर सकते हैं। तो एक तरह से वॉलंटरी है, ठीक है, मतलब आपका मन हो तो आप करिए, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये भी मैंने क्यों डाला, इसका एक रीज़न है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वंदे मातरम।